और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ ज्यूडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवीय की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था, लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है, और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन आम बात होने लगी है। ये पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हुए हैं। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिनके लिए पहले नागरिकों को महीनों ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मोबाइल पर अवेलेबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है जिस नागरिक को सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, वो न्याय के अधिकार को लेकर भी वैसे ही अपेक्षाएं करेगा। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक फ्रेंडली ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। टेक्नोलॉजी आज युवाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कैसे बने। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोएथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराजम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं, और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है, और मुझे अच्छा लगा सीजीआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया, तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। नहीं, उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा।
साथ ही एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की, वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है, सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब बड़े आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए, लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं, और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है। और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं, शायद जजीज को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहां बैठना मौका आ गया है तो यहां से आता रहता हूं, तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूं। साथियों, इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमिटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके, जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता,
मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। आपसी सहमति और परस्पर भागीदारी, ये न्याय की अपनी एक अलग मानवीय अवधारणा है। अगर हम देखें तो हमारे समाज का वो स्वभाव कहीं न कहीं अभी भी बना हुआ है। हमने हमारी उन परंपराओं को खोया नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जैसे चीफ साहब ने ललित जी की तारीफ की, मैं भी करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, हर राज्य में गए इस काम के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में गए। साथियों, मामलों का कम समय में समाधान भी होता है, न्यायालयों का बोझ भी कम होता है और सोशल फैब्रिक भी सुरक्षित रहता है। हमने इसी सोच के साथ संसद में मीडिएशन बिल को भी एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी पेश किया है। अपनी रीच लीगल एक्सपर्टाइज के साथ हम मीडिएशन से सॉल्यूशन की विधा में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि प्राचीन मानवीय मूल्यों और आधुनिक अप्रोच के साथ इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सभी विषयों पर आप सब विद्वज्जन विस्तार से चर्चा करके मंथन करके उस अमृत को लाओगे जो शायद आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो नए आइडियाज निकलेंगे, जो नए निष्कर्ष निकलेंगे, वो नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के न्याय व्यवस्था के लिए सरकारों ने जो करना होगा, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, वो भरसक प्रयास करेगी ताकि हम सब मिलकर के देश के कोटि कोटि नागरिकों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके। और 2047 में देश जब आजादी के 100 साल मनाए, तब हम न्याय के क्षेत्र में भी और अधिक गौरव के साथ, और अधिक सम्मान के साथ, और अधिक संतोष के साथ आगे बढ़े, यही मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी प्रेरणा के लिए। और अब हमारा अनुरोध है माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी से कि कृपया